JK247 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। जोहर आप बड़गाम में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर कि नमाज जुमा के बाद जो है यहां पर जुलूस निकाला गया है ईरान की हिमायत में, जहां पर कि आप ये देखा कि प्रेसिडेंट जो है ईरान के इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई, और यहां पर लोगों का यही कहना है कि इसकी जाँच होनी चाहिए ताकि हकायक जो है लोगों को मालूम पड़े। नमाज जुमा के बाद ठीक जो है हजरत इस्लाम आगा से जो है यहाँ पर जुलूस निकाला इमामबाड़ा से, जो ठीक ओल्ड टाउन बड़गाम में यहाँ पर अड्डे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया और यहाँ पर जो है लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया और ईरान के हक में नारे लगाए। अब जुड़े रहे JK247 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और पूरे आलम को इस सिलसिले में गम है, और इस सिलसिले में आप देखेंगे दुनिया भर के साथ साथ जो है वादी कश्मीर में जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के पैरोकार है, जो इस तखलीद पर जो है सरबसजूद है, और आज देखेंगे कश्मीर के तमाम अज़ाओं में जो है आज मुसलमान कश्मीर ने जो है अपना खराज अकीदत उन शोदाओं को पेश किया, और ख़ासकर जो है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ईरान की अवाम और उनके जो लवाहकीन है सदर और दीगर जो इस मिसानिया में जो जहाँ पाक उन्हें अपना खराज अकीदत जो है नवाहों के जरिए और जुमहों पर जो है आज इस हवाले से रोशनी डालगी, और पूरी जो है दुनिया के अवाम ने ये साबित कर दिया कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो वो एक है, वहदत इस्लामिया में ही इस पूरे कायनात का राज जो है मुजम्मिर है। ये सानिया जो 19 मई को पेश आया, ये पूरे दुनिया के लिए अफसोस का सानिया है। पूरे दुनिया ने इस पर इजहार अफसोस किया। दुनिया में अदल और इंसाफ की जरूरत है, और इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। ईरान इसका अलामत है, पूरी दुनिया को वो इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर देता है, और पूरे दुनिया को अदल इंसाफ कायम करने के लिए जद्दोजहद पर जोर देता है। आज दुनिया ने साबित करके दे दिया आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के सानिया के मौत पर पूरी तरह गम गुस्सा का इजहार किया। मैं इन्हीं अल्फाज से सैयद इब्राहिम रईसी और उनके शहदा को हदीये तजियत पेश करता हूँ, और आलम को अपील करता हूँ कि हम दुनिया से जुल्म जोर को ख़त्म करेंगे, अदल इंसाफ को कायम करेंगे। इस सिलसिले में पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना चाहिए। Yeah.